नमस्कार, मैं गरिमा भारती स्वागत करती हूं आपका लाइव सिटीज के बिहार बुलेटिन लाइव पर, जहां मैं और मेरे सहयोगी आपको आज के दिन की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात करेंगे बकरीद की। आज ईद उल अजहा है, जिसको लेकर पटना में कुछ खास तैयारियां की गई और ख़ास तरीके से ईद उल अजहा मनाया गया। क्या कुछ खास रहा उसमें, उस बताएंगे हमारे सहयोगी सुजीत सागर। गरिमा, आज बता दूं, आज पूरे देश में बकरीद का जो त्यौहार है वो बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हम मनाया जा रहा है। बकरीद का त्यौहार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हज़ारों की संख्या में नमाजी जो हैं वो नमाज अदा करने आए थे, और इस विषय पर जब पटना के जो DM कुमार रवि हैं उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही है कि हर्ष और उल्लास के साथ बकरीद का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि आज आखिरी सोमवारी भी है, सावन का महीना चल रहा है और आज आखिरी सोमवारी है और बकरीद का त्यौहार भी मनाया जा रहा है, तो कहीं कोई किसी प्रकार के कोई असामाजिक तत्व जो हैं वो किसी प्रकार के कोई हुड़दंग ना करें, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा आज बकरीद की नमाज अदा करने के बाद गांधी मैदान पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 दिन बाद 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त की सुरक्षा को लेकर आज पूरी तरह से इसको सील कर दिया जाएगा। और इन 2 दिनों में भी लगातार समय समय पर गांधी मैदान की सुरक्षा की जो जांच है वो होती रहेगी। अब बात करते हैं, आज बकरीद का त्यौहार तो मनाया जा रहा है, इसके बाद DGP गुप्तेश्वर पांडे बिहार के मुखिया हैं पुलिस मुख्यालय के, इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था पटना के सरदार भवन में स्थित पुलिस मुख्यालय में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा जो बातें कही गई हैं उस पर मैं मुख्य रूप से आपको मैं जरा आपका गौर फरमाना चाहूँगा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें आज DGP गुप्तेश्वर पांडे ने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आधे घंटे देर से पहुँचे, तो उनके जो नीचे के जो अधिकारी हैं उनको उन्होंने अधिकृत कर दिया था कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। दरअसल क्या है कि वैशाली में आज 2 वामपंथी उग्रवादियों ने IG ऑपरेशंस के सामने आत्मसमर्पण किया है। ये पूरा आपको मामला बता दें, केंद्र और बिहार सरकार के अंतर्गत वामपंथी उग्रवादियों के समर्पण और पुनर्वासन की योजना का प्रचार प्रसार चलता रहता है, योजना एक चल रही है उसका प्रचार प्रसार चलता रहता है, और इसी प्रचार प्रसार के अंतर्गत वैशाली के जनदाहा थाना क्षेत्र से 2 लोगों ने IG ऑपरेशंस के सामने आत्मसमर्पण किया है। एक का नाम है अमरनाथ सैनी और दूसरे का नाम है राकेश सैनी। अमरनाथ सैनी के ऊपर इससे पहले भी 14 केस चल रहे हैं और राकेश सहनी के ऊपर 6 केस चल रहे हैं। आपको बता दें, जिस योजना के अंतर्गत इन्होंने आज IG ऑपरेशंस के सामने आत्मसमर्पण किया है, इस योजना के अंतर्गत इन्होंने जो आत्मसमर्पण किया है हथियारों, अपने पर्सनल हथियारों के साथ इन्होंने समर्पण किया है, तो उस उनके जो पास जो हथियार थे उन हथियारों की क्या राशि, मतलब क्या क्या कीमत है उन हथियारों की, उसके समतुल्य इनको राशि दी जाएगी। साथ ही साथ इनकी जिस भी क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि ये अपना जो जीवन है वो सामान्य जीवन जी सकें, उस दिशा में ये जी सकें। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये ADG मुख्यालय जितेंद्र कुमार के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि DGP गुप्तेश्वर पांडे उस समय तक नहीं पहुँचे थे। जब DGP गुप्तेश्वर पांडे पहुँचे हैं तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि मुख्यतः इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे इन दिनों जिस तरह से 386 दागी छवि के पुलिस अधिकारियों पर जो कार्रवाई की गई है पुलिस मुख्यालय के द्वारा उसको लेकर जब सवाल पूछा, तो उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी दी है कि सुशासन की सरकार चल रही है और सुशासन में जिस तरह से हमें आदेश हुआ है कि 386 दागी छवि के पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसी को लेकर हमने कार्रवाई की है। और उनका सीधा सीधा ये कहना है कि जो 386 जो पुलिस अधिकारी हैं, हवलदार से लेकर सिपाही से लेकर ऊपर लेवल के जो भी अधिकारी हैं, उन सभी के ऊपर कहीं ना कहीं उनकी छवि पे कहीं ना कहीं दाग लगा हुआ है, तो इसी को लेकर हमारे पास, उनका यह कहना था कि उनके पास पुख्ता सूचनाएं मिली हैं जिसके आधार पर उन 386 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है और की गई है, तो अगर उन अधिकारियों को या उन पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि वो निर्दोष हैं तो वो सप्ताह में एक दिन निश्चित किया जाएगा, और अगर वो निर्दोष हैं तो वो पुलिस पटना पुलिस मुख्यालय में आकर जो आला अधिकारी हैं उनके सामने वो निर्दोष हैं इस बात का वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगर वो निर्दोष साबित हुए तो उनके ऊपर जो दागी छवि की जो भी कार्रवाई चल रही है दागी छवि को लेकर वो हटा दी जाएगी। वहीं इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जिस तरह से दागी छवि वाले पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, वहीं
जो अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारी हैं, लगभग 400 पुलिस अधिकारियों को ऐसे हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा, जिससे कि इनमें और अच्छा काम करने की भावना बने, और अगर कोई अगर अच्छा काम नहीं भी कर रहे हैं तो वो प्रोत्साहित हों। तो उनका सीधा सीधा ये कहना था, और वो ये भी कह रहे थे कि पुलिस में रहकर माफियागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि जिस तरह से शराबबंदी हुई और पिछले दिनों जो पुलिस अधिकारी हैं शराब की बिक्री में उनका नाम आ रहा था, बालूबंदी हुई तो पुलिस वाले ऐसे थे कई कि बालूबंदी में उनका नाम आ रहा था। तो जिस तरह से गरीबों को परेशान करने में हमेशा ऐसा होता है कि कभी कई कई जगह से ऐसी खबर आती है कि गरीबों को परेशान करने में कई पुलिस वाले भी शामिल होते हैं, पुलिस वाले जो अनुसंधान करते हैं उस अनुसंधान में लापरवाही करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पटना पुलिस के द्वारा, पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, और उन्होंने कहा है कि अगर आप लापरवाही से काम करेंगे तो आप पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। और उन्होंने उनका हौसला भी बढ़ाया है कि आप लोगों से हम हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मैं डीजीपी हूँ, बिहार का डीजीपी हूँ, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप भले ही एक सिपाही क्यों ना हो, मैं आपको भी सैल्यूट करूँगा। तो ये काफ़ी लोगों पुलिस अधिकारियों के लिए अच्छी बात है कि अगर डीजीपी इस तरह से उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं तो इससे उनका मनोबल निश्चित तौर पर बढ़ेगा। जी तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो जैसा कि सुजीत ने बताया कि वैशाली से दो उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, वहीं दूसरी बड़ी खबर भी वैशाली से है, जहां बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने पर लोगों ने अपराधी को रंगे हाथ पकड़ा। उसके बाद क्या कुछ हुआ वहां पर, वो बताएंगे हमारे सहयोगी अक्षय। ऐसा हुआ वैशाली में कि एक युवक जो है वो एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। यह मामला वैशाली के लालगंज का है। तभी स्थानीय लोगों ने उसे धर दबोचा, बच्ची को बचा लिया गया उसके चंगुल से। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भी एक सवाल खड़ा करता है। सबसे पहले तो ये कि एक बच्ची के साथ ऐसी वारदात को अंजाम देना ही मानवता के लिए एक शर्म है। लेकिन दूसरी ओर बिहार में जिस तरह से एक के बाद एक भीड़ तंत्र की खबरें आ रही हैं, यह भी असंवैधानिक है। आपने सारण के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद लगभग 12 मामले ऐसे हो चुके हैं जहां पर बिहार ने और बिहार में भीड़ ने किसी अपराधी को पीटा, कहीं वो मर गए, कहीं वो घायल हुए। यहाँ बेशक मामला बहुत घिनौना था, गंदा था, लोगों को आक्रोशित करने वाला था। उसके बाद लोगों ने वहाँ पर क्या किया, आक्रोश फूटा, गांव का मामला था, लालगंज क्षेत्र का मामला था, तो लोगों ने अपराधी को बिठाया ज़मीन पर, वो भागने में कामयाब नहीं रहा। उसके बाद स्थानीय लोगों ने, ग्रामीणों ने अपराधी को एक घेरे के बीच में रखा और एक एक करके कभी झाड़ू से, कभी लात से, कभी घूसे से खूब धुनाई की उसकी। बेशक गलत काम करने पर सज़ा होनी चाहिए, लेकिन सज़ा का प्रावधान संविधान में लिखा है, उसे अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसे वाक्य हो जाते हैं जब लोग अपने आक्रोश को नहीं रोक पाते, जैसा कि वैशाली में हुआ। बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने पहुंचा था यह युवक और उसके बाद उसकी पिटाई हुई। बिहार के अन्य मामलों में भी कहीं पर मर्डर, कहीं दुष्कर्म, कहीं चोरी, कहीं धमकाने के लिए लोग पहुँचे थे जिनकी पिटाई हुई, कुछ की मौत हुई, कुछ घायल हुए। लेकिन बिहार के साथ एक भीड़ तंत्र का शब्द बीते कुछ दिनों से जुड़ने लगा है। इस पर लोगों को धैर्य से विचार करना होगा कि सज़ा देना कानून का काम है, हम उसे किसी अपराध को होने से रोकने में अपना योगदान दे सकते हैं। किसी को सज़ा सुना देना हमारे हक में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, उसके लिए कानून है। अगर हम किसी पर हाथ उठाते, किसी मारते पीटते हैं तो हम खुद कानून को अपने हाथ में लेंगे। यह मामला वैशाली का था और इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि बिहार में अब इस तरह के मामले भी और भीड़ तंत्र के मामले भी, चाहे वो बच्चा चोरी की अफवाह से जुड़े हों या किसी और बात से जुड़े हों, वो बढ़ने लगे हैं। जी बेशक अपराध कितना भी घिनौना हो और अपराधी कितना भी बड़ा हो, हमें कानून को हाथ में लेकर उसे सजा देने का कोई अधिकार नहीं है, और ये कहीं से उचित नहीं है कि हम अपराधी को सजा देने के लिए खुद अपराधी बन जाए। अगली खबर भाजपा से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद शहनवाज हुसैन ने पाकिस्तानी रेल मंत्री के बयान पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी परमवीर से। देखिए, पाकिस्तान के जो रेल मंत्री हैं शेख रशीद अहमद, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अगले 2-4 महीनों में कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब उन्होंने कहा कि युद्ध हो सकता है लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं, अगर हम पे लड़ाई थोपा गया तो यह अंतिम युद्ध होगा।
जिसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहनवाज हुसैन, उन्होंने आज अपने पैतृक जो गांव है वहां पे उन्होंने कहा कि देखिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके पास पाकिस्तान के लिए हर मर्ज की दवा है, तो इसको उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, लेकिन पीएम मोदी जो हैं वो पाकिस्तान के लिए हर मर्ज की दवा रखते हैं। और कहा कि जो भी 370 के मामले में भी उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, और गांव का जो उनका घर पे था वहां पे ईद का त्यौहार है, बकरीद का त्यौहार था, तो वहां पे वो गए थे, लोगों को बधाइयाँ भेज दी, और वो बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए जो है नरेंद्र मोदी हमेशा से ही सख्त रहे हैं, वो 370 हो चाहे आपका तीन तलाक का मामला हो, तीन तलाक हट जाने से जो हमारे मुस्लिम बहनें हैं उनको बहुत ही अब पहले का जो वो नहीं सहना पड़ेगा, कोई उनको तलाक नहीं दे सकता, इसको ईद को लेकर, और तीन तलाक हटने से हमारे समाज में डबल खुशी है, और 370 से और 370 से आर्टिकल जो 370 है उस 70 है उससे जम्मू कश्मीर आज़ाद हो गया, तो ये सब खुशी की बात है। और लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि पाकिस्तान को लेकर कि नरेंद्र मोदी के पास हर मर्ज की दवा है। जी धन्यवाद। तो ये थी आज की बिहार की बड़ी खबरें। खबरों की रफ्तार से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़, और हमारे दर्शकों को लाइव सिटीज़ की तरफ से बकरीद और आखिरी सोमवारी की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद।